もう出る、がいがいがいがいがい、खड़ी कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और हम अब सुबह जग चुके हैं और टाइम हो रहा है 6:23 हो रहा है और हमारे डायरेक्टर भाई साहब जग चुके हैं, लग रहे हैं लैपटॉप पे। मैंने उनको छोटा सा काम दे दिया है और दूसरे रूम में जाके भी देखते हैं कि क्या सीन है। ये देखो, ये हमारे साहिल गेरा जी हैं। इन्होंने कहा था कि सुबह 8 गुड मॉर्निंग तो कर रहे हैं, सुबह 8 आप हमको बाहर निकाल रहे थे और 7 बजने वाले हैं और अभी तक ही उठे नहीं। और ये हमारे सौरभ भैया हैं। सौरभ भैया प्लीज जग जाएं, 8 आपको बाहर लाना है। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। और इनकी रूम की हालत देखो आप, हालत खस्ता है। अब इनको पता है कभी ये सामान सारा इनको। ये हमारे युधिष्ठिर भाई साहब गाड़ी ये सबसे शानदार चलाते हैं। और इनके संग समस्या थी कि जो इनका इंटरकॉम था ना, इनके इंटरकॉम से सोनू जुड़ा हुआ था, लेकिन सोनू हमारा हायबूसा है दूसरा, तो वो साहिल गेरे के संग जाके हायबूसा हो गया, तो इनका इंटरकॉम से कोई लेने देना रहा ही नहीं। तो हमने सोचा कि आज कुछ कर दें, लेकिन वो सौरभ के में सेट नहीं हो पाएगा इंटरकॉम, तो ये अभी विधवा हो गए, बिना इंटरकॉम के रहेंगे। आपको कैसा लगा अपन यहाँ तक आए युधिष्ठिर भाई साहब मोटरसाइकिल चला के? कितनी लंबी यात्रा पे आए अपने, करीब 550 किलोमीटर बाइक चलाई है, टकाटक रहा टकाटक। और ये नरेंद्र भाई साहब ये हमारे साथ इंटरकॉम पे टोटली कनेक्ट थे और बड़े आनंद से आए हम दोनों। तो नरेंद्र भाई साहब थोड़ा बहुत बताओ कि आपको कैसा लगा? बहुत शानदार सफर रहा, शानदार सफर रहा, और आगे की यात्रा भी बहुत शानदार रहेगी। और जल्दी से तैयार होके फिर हम आपको उतरेंगे और बाइक पर मिलते हैं। अभी सभी गाड़ियां सेट हो रही हैं, सब में ल्यूब वगैरह कर रहे हैं, क्लीन वगैरह कर रहे हैं और चाय का ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा आज हम जहाँ ठहरे हैं उसका नाम है आनंद रेस्टोरेंट एंड होटल। तो मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ रेस्टोरेंट का। आलू पराठा और चाय, आलू पराठा और चाय, और ये ढाबा बहुत अच्छा है। बात अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी आपको मैं एक बार बाइक का लुक दिखा देता हूँ। ये मेरी बाइक, ये युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक, ये नरेंद्र भाई साहब की क्लासिक 350, ये फिर सौरभ भाई साहब की क्लासिक 350, सोनू की क्लासिक 350। ऑल बाइक सेट, चैन ल्यू क्लीन सब कुछ होके रेडी है।
अब हम बाहर आ चुके हैं और टनल का शायद नाम देखेंगे अगर मिल जाता है तो। टनल ना ना ना, ये टनल ये टनल का नाम नहीं है। अब थोड़ा सा बिना ऑफ रोड के चल रहे हैं हम और रोड बिल्कुल साफ है और मेरे राइट साइड में पहाड़ है और लेफ्ट साइड में पहाड़ भी हैं। पहाड़ों पर झिलमिलाते तारे जैसे मकान हैं जिनमें लाइट वगैरह जलती है। बहुत ही शानदार नज़ारा है और दोनों के बीच में नदी भी बह रही है। नदी भी है, पानी भरा हुआ है, उसमें आवाज़ आ रही है कल 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 की। तो बहुत ही शानदार नज़ारा। बस अंधेरा हो गया है इसलिए दिखा नहीं पाऊँगा, सिर्फ बातों से ही बयान कर पाऊँगा मैं आपके लिए। और लाड़ो पूरा आनंद लेती हुई राइड का मेरे साथ। और यहाँ पर एंट्री पॉइंट है और हमने एंट्री करवा दी है। पर बाइक 100 रुपये एंट्री करा के हम अब आगे निकल रहे हैं। एक बार साहिल को फ़ोन करें। और यहाँ पर एक हल्का सा टी ब्रेक ले लिया था और अब दोबारा चल दिए हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 9:28। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्तों। और अभी हम आए हैं मनाली और आज तीरथ नगर से मनाली का रास्ता करीब सो भी था, बढ़िया भी था, अच्छा भी था, ऑफ रोडिंग भी थी, वाटर क्रॉसिंग ना के बराबर थी, तो मज़ा आया कुल मिला के। तो एक्चुअली क्या है कि अभी आके लगे हैं, काफ़ी थक गए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात ज़रूर कर लूँ। ये रूम अभी लिया है हमने और काफ़ी अच्छा गेस्ट हाउस है, तो इसका मैं भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं मनाली के बारे में। तो अभी मनाली में जो टेम्परेचर हो रहा है -9 डिग्री टेम्परेचर है। तो -9 डिग्री टेम्परेचर है और काफ़ी ठंडा मौसम है और सुबह पता चलेगा स्नोफॉल यहाँ है नहीं है क्या है, तो वो सुबह देखेंगे। इसका यहाँ से जो व्यू आता है ना मनाली का औसम है, तो मैं आपको सुबह उस व्यू दिखाऊँगा उस इस पूरे प्लेस का। मनाली इज़ द हिल ऑफ क्वीन, वास्तव में बहुत शानदार प्लेस है और सुबह देखेंगे। तो इसके आसपास का व्यू मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूं कि इस रूम में जहां मैं ठहरा हुआ हूं उसकी क्या स्थिति है। वैसे यूट्यूबर एक फोटो ब्लॉगर की क्या स्थिति होती है, मैं रूम में घुसता हूं, बाकी सब अपने खेलने खालने में लग जाते हैं, लेकिन मेरे को सारे गैजेट्स में से डाटा ट्रांसफ़र करना, डाटा लेना उसमें से, सारी बैटरीज वगैरह चार्ज करना, कैमरे की बैटरी चार्ज करना, गोप्रो की बैटरी चार्ज करना, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, मोबाइल की बैटरी चार्ज करना। तो अब मैं आपको एक बार रूम का व्यू दिखाता हूँ और इस रूम की हालत देखना। अभी रूम जब आए थे तो बहुत साफ़ सुथरा था, नीट एंड क्लीन, आती हो गया इसका कबाड़ा। अब देखता हूँ मैं आपको रूम दिखाता हूँ और बहुत ही शानदार रूम है। अब इसका कबाड़ा हम कर चुके हैं, ये देखिए कबाड़ा कर चुके हैं, सबके राइडिंग गियर, पैन ईयर, वैन ईयर, डब्बे डुब्बे सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये देखो ये बूट्स की हालत देखिए आप, बूट्स की हालत से पता चल जाएगी कि आज किस तरीके की राइडिंग हुई है। और मैंने लैपटॉप पे डाटा ट्रांसफ़र के लिए लगा दिया है और डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, देख रहे होंगे आप, ठीक है। इसके अलावा सारी गैजेट्स चार्ज वगैरह हो रहे हैं, चल रही है चार्जिंग वगैरह सब चल रही है। ये हालत है। अब मैं अंदर के एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ। बाथरूम है, बाथरूम देख सकते हैं, ये गीज़र लगा हुआ है, टब है, वॉश बेसिन है, आप मिरर है, आपका दोस्त धर्मेंद्र सिंह यो है ना, और क्या है, टीवी है रूम में, देखे वुडन के छत है, देख सकते हैं आप, बहुत शानदार है। यहाँ पर ज़्यादातर कोटेज ऐसे ही मिलेंगे। ये हमारे साहिल गेरा भाई साहब हैं पीछे, लग रहे हैं फ़ोन पे कुछ ना कुछ कुछ करने। तो एक्चुअली अभी मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली है,
तो एक्चुअली क्या होता है कि जब यूट्यूब पर हम वीडियो डालते हैं तो वो पूरा ट्रिप करने के बाद डालते हैं, क्योंकि हम इतने थक जाते हैं कि रोज़ाना अपडेटेड होके वीडियो डालना बड़ा टिपिकल हो जाता है। तो ये पूरा टूर ख़त्म होने के बाद यूट्यूब पर आएंगे, तो आप उससे पहले अगर चाहते हो कि लाइव कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है singh_dharmendra, लास्ट में डबल ए है, तो आपको लेटेस्ट अपडेट उसी पर मिलेंगी। और अभी खाने का ऑर्डर दे दिया, आधे घंटे में नीचे पहुंचना है, खाना खाना है, थक गए हैं, सारा डाटा ट्रांसफ़र करना है, बहुत ज़्यादा काम है अभी सोने से पहले। और कल भी हमें सोते सोते 1 बज गए थे, सुबह हमें 6 बजे फिर उठना है। तो देखते हैं, करते हैं, आपके प्यार के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। मेरे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, वीडियो शेयर कर लेना, आप भी मौज लो, दोस्तों को भी मौज दिलवाओ, एंजॉय करो, मैं भी देख रहा हूँ, आपको भी एंजॉय करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।